समझ नहीं आ रहा यार, मतलब मैं खुश हूं कि दुखी हूं, क्योंकि पहली बार मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे सॉरी बोला, सॉरी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने, कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैं तुम जैसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग बिटवीन बोथ ऑफ अस। एंड पता है उसने रीजन क्या दिया? उसने रीजन दिया ब्रेकअप का कि तुम तो क्रिएटिव ही नहीं हो। She is mad, but she is magic. There is no lie in her fire. काफी क्रिएटिव। ये तुम्हारी ओरिजिनल लाइन है। क्या फर्क पड़ता है किसकी लाइन है? यूज़ तो मैंने करी है ना? ओके। सो बाय द वे, इज इट योर फर्स्ट टाइम ऑन दिस ऐप? हाँ, अभी ताज़ा ब्रेकअप हुआ है ना। किस बात पे? बोल रही थी तुम क्रिएटिव नहीं हो। वैसे गलत तो कुछ नहीं बोला उसने। हाँ तो गुस्सा कर लेती, चीट करने की क्या जरूरत थी? ओह, फिर तो काफी बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। Do you need a shoulder to cry on? तुम इनडायरेक्टली डेट के लिए पूछ रही हो क्या? पूछ तो नहीं रही थी, but it doesn't seem like a bad idea. हाउस का आसपास पड़ता है मेरे घर से। Okay then. कल 4 बजे सोशल हॉस्कास। तीन गाड़ी खड़ी है, पहले ये हटाओ ना, आपको मेरी गाड़ी उठानी थी। बस भाई दिल्लू का दिल आ गया इस पे, अब तो यही गाड़ी उठेगी। भाई ये कौन सी हवाबाजी है यार, बाकी ये जो खड़ी है गाड़ी है तीन। हाय वृषांत, ये क्या हो रहा है? हेलो, ए खेचो रे। अरे एक्सीडेंट यार, पता नहीं कौन सी खुंदस निकाल रहा है भाई, सबकी गाड़ियां खड़ी है, मेरी गाड़ी। दिमाग ज्यादा खराब है क्या? तो भैया हुआ क्या यार, बता तो दो भैया। माय फुट, तुम्हारी हिम्मत कैसे है गाड़ी टो करने की? पहली बात तो दिल्लू लेडीज के मुंह नहीं लगता, और मैडम हिम्मत तो इतनी है ना कि अभी आप ही की गाड़ी टो कर देंगे, और कसम से पूरी दिल्ली में हमको कोई रोक नहीं पाएगा। भाषण की तरह मैं बात करूं। कुछ छोटा भाई समझ के कुछ कर लो ना यार, दो गुलाबी गंदे लगेंगे। पुलिस में कंप्लेंट कर दी ना बेटे तेरी, तेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। करो कंप्लेन, करो। इब जा डट जा तू, नू नहीं मान रहा ये। बल्ली भैया ने फोन करना ही पड़ेगा। एक मिनट, बल्ली भैया बॉडी बिल्डर? मिस्टर दिल्ली, बड़े भाई है हमारे। मैडम आप तो स्टाफ के निकले, 100-200 रुपए दे दो, वैसे भी बहुत पिटरा दे। अरे गाड़ी अनलोड करो रे। अरे स्टाफ की है मैडम, बल्ली भैया को मत बता देना, बहुत मारते हैं, गिनते कम है। ए अनलोड करो। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मैं बल्ली भैया को जानती भी नहीं। उतार दिया यार तुमने तो, अब तक तो तुम गांधी दे चुके होते गुलाबी। पर आई एम सॉरी यार, मेरे चक्कर में पूरी डेटी खराब हो गई। खराब? ऐसा किसने बोला? आई मीन वो लोग तो बहुत लकी होते हैं जिन्हें फर्स्ट डेट पे रोमांस की जगह एडवेंचर करने को मिलता है। ये नहीं पता था मुझे। अब इतनी मेहनत करी है तो खाली पेट तो वापस नहीं जाऊंगी। तो एक आईडिया आया मुझे, प्रिटेंड करते हैं सब हुआ ही नहीं है, और अभी तुम और मैं सीधा अंदर मिलेंगे पहली बार। Okay. Interesting, yeah? Sounds too weird, but interesting. Done. Okay. हो गई deal. See you in 5 minutes. Cool. See ya. One special spaghetti pasta. Thank you, sir. बहुत time लग गया. मैंने बोला था 5 मिनट में मिलते हैं. Character मेरो. Hi. Oh, sorry. Hi. Nice meeting you. Hi, but ये तो मीटिंग के बाद बोलते ना? Nervous हो रहे क्या तुम? नहीं नहीं. Actually expect नहीं किया था इतना जल्दी मिल जाएंगे. Just after a few chats. Stand up comic हूँ यार. Spot मिलते perform करने में believe करती हूँ. So you tell me something about yourself. मैं मतलब ऐसे कुछ cool तो नहीं करता. I'm an engineer. Now a coder. तो मैंने जैसे भी recently 6 सिग्मा में course किया है. और बस वही ढूंढ रहा हूँ. Tie लगा टाई क्यों? I mean इंटरव्यू कर, मतलब ऐसी होता है ना तुम्हारे में टाई वाई लगा के जाते हैं? हाँ तो इंटरव्यू और डेट सेम ही तो है, वहाँ पे इंटरव्यू को खुश करना होता है, यहाँ पे डेट को खुश करना है। एक्सक्यूज सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो तुम्हारा रिलेशनशिप कितने टाइम चला था?
दो हफ्ता. I'm so sorry. I mean, काफी मुश्किल हो रही होगी फिर तो बुलाने में उसे. अरे बहुत मुश्किल हो रही है यार. हाँ अरिजीत सिंह के गाने सुन के थोड़ी सी हेल्प हो जाती है. भूख लगना ही बंद हो गई है. अच्छा एक रैंडम क्वेश्चन, ये खलीसी जॉन्स लोगों की क्या लगती है? बुआ, पर ये क्यों पूछा? वो मैंने तुम्हारी प्रोफाइल में वो जियो टीम मैन का बैच देखा. अच्छा अच्छा अच्छा, क्रॉस चेक. तुम कभी रिलेशनशिप में नहीं गई थी यार? अरे हम लोग ना बहुत ऑपोजिट थे, मतलब हद ऑपोजिट. अब वो एकदम से ऐसे ऐसे करके बात करने वाला इंसान, हद सीरियस. मैं तो यू नो थोड़ा एवरेजली फनी. हाँ, सेल्फ अवेयरनेस अच्छी है, एवरेजली फनी हो तुम. अरे जीओटी के स्पॉयलर्स देने पे ब्रेकअप करने की धमकी देता था, बताओ. स्पॉयलर देने पे सिर्फ धमकी देता था? अरे तो बहुत अच्छा इंसान है, फोन करके पूछो अगर अभी भी अवेलेबल है तो. अच्छा तुमने एक क्वेश्चन का आंसर किया था ऐप पे कि लाइक यू आर लुकिंग फॉर सम लॉन्ग टर्म रिलेशन, तो इज इट सो? हाँ मतलब यार समवन हु इज ऑनेस्ट इन रिलेशनशिप, जो उसको सही करने के लिए एफर्ट भी मारे, जो मेरे ड्रीम्स की रिस्पेक्ट करे. और मुझे लगता है ये सब होगा तो रिलेशनशिप अपने आप लॉन्ग टर्म हो ही जाएगा. एकदम से बहुत सीरियस बातें करने लग गए ना. सेकंड डेट में इतना सीरियस तो हो ही सकते हैं, आई मीन अलाउड होता है. और ये भी तुम्हारी अपनी किसी रूल बुक में लिखा होगा तुमने? नहीं रूल बुक में तो नहीं था, बस अभी बनाया मैंने. अच्छा या जोक्स अपार्ट, आई थिंक यू आर राइट. हम सबको चाहिए होता है समवन जिसके ड्रीम्स तुम्हारे ड्रीम्स हो या तुम्हारे ड्रीम्स उसके ड्रीम्स हो, इतनी इंपॉर्टेंस हो. समवन जिसके सामने ना कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत ना पड़े. एंड यू कैन बी योर वल्नरेबल सेल्फ. मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तुम्हारे लेम जोक्स पे भी हंसे. ट्रू. और लाइफ की सारी डिफिकल्टीज को तुम्हारे साथ मिलकर सॉल्व करें, सामने वाले की ओपिनियंस को वैल्यू करें, है ना? हाँ मतलब जिसमें कंपैशन हो, एक्सेप्टेंस हो, बिकॉज कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता ना, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है. जैसे देश परफेक्ट बनाने के लिए खुद भी परफेक्ट बनना पड़ता है. हे, नाइस रंग दे बसंती रेफरेंस. नहीं थकती ना तुम? कितनी अनकूल डेट है यार, चाय पी रहे हैं. क्यों इतनी कूल है? क्या क्या नहीं किया हमने सुबह से, हमने उसको सजा दिया. वहाँ बैठ के खाई थी, कैपेचिनो पी थी, वो स्पेशल पास्ता खाया था. देखा तुम्हारा कितना अच्छा टेस्ट है. गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपने अपने एडवेंचरस डेट पे क्या क्या किया. और अगर आप भी एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं तो ओके क्यूपिड ऐप को इंस्टॉल करें और मीनिंगफुली मैच करें. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ऑलराइट.